थोड़े से अनजाने। इतना तो तय है, प्यार था, पर क्यों हुआ, क्यों टूटा, कोई इसकी भनक तक लगने नहीं देता। I have an idea. क्या? मनोरी में एक नया बंगला बन रहा है और उन्हें प्लांट्स की सख्त जरूरत है, तो मैंने सोचा कि प्रभा आंटी का अपना एक नर्सरी है, वो प्लांट्स खरीदें। किसी भी समस्या से पहले उसका हल, उसका सॉल्यूशन होता है। पर जिंदगी में ऐसा नहीं होता, हर मोड़ पे जिंदगी एक नया सवाल खड़ा कर देती है और उसका जवाब नहीं देती। खैर तुम ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे वो मैं वो जट्टी में एक नया बंगला बन रहा है और एक बड़ा गार्डन बना रहे हैं, उन्हें प्लांट्स की जरूरत है, तो मैंने सोचा प्रभा आंटी की इतनी प्यारी नर्सरी है और उन्हें पैसों की भी जरूरत है। भी है। वैसे बचपन से तुमने सिर्फ दूसरों के लिए जीना सीखा है। हेल, अपने लिए जीना भी कोई जीना है? अपने लिए तो जानवर जीते, और फिर ऊपर वाले ने ये समाज बनाया, इंसान को ज्ञान दिया, क्यों सिर्फ अपने लिए नहीं? आई मीन जस्ट लुक एट द नेचर, पेड़ कभी अपना फल खुद नहीं खाता, वर्षा अपने खुद के लिए बरसती नहीं, तालाब अपना पानी खुद नहीं पीता, सिर्फ इंसान ही सेल्फिश क्यों? क्योंकि इंसान को जरूरत से ज्यादा चाहिए होता, उसे अपना भी चाहिए और दूसरों का भी। ना मिलने पर सोचता नहीं है, सोच बंद हो जाती है, जहां सोच बंद हो जाती है वहां वो जानवर बन जाता है। अब वैसे ये पौधे बिक गए? हाँ बिक ही गए समझ लो, वैसे शामली से बात करके मैं इनको भिजवा देता हूँ पार्टी के यहाँ पे। वैसे मैं जल्दी उठने का आदी हूँ, पता नहीं था ये लोग अभी तक सो रहे, लेकिन तुम इतनी जल्दी, इतनी सुबह इधर। रात भर नींद नहीं आई, सुबह हुई तो सोचा अब जाके टिमली को मिलूं, उसकी फटकार सुनने को मिलती है ना तो मन हल्का हो जाता है। मेरा मन तो भारी हो जाता है, मन करता है उसको बाथरूम में बंद करके ताला लगा के निकल आओ। अरे नाक पे गुस्सा रहता है उसका, एंड यू नो उसकी एक यूनिक क्वालिटी है, बिना बात का झगड़ा कर लेती है, और कई साल पहले तो मुझसे इसलिए लड़ी थी क्योंकि मैं एक हफ्ते तक उसे लड़ने का मौका ही नहीं दिया था। हेलो, हाँ माता आंटी, हाँ मैं तुरंत आता हूँ। ओके, मैं जरा घर होके आता हूँ, माता आंटी को मुझसे कुछ जरूरी काम। तुम जाओ और मैं भी देखती हूँ कि ये लोग जाग रहे हैं कि अभी तक सो रहे हैं। कौन है? हाँ आग तो खोलो पहले। ओ टिमली, तू टिमली नहीं रोजी। ओ सुबह हो गई। हाँ सुबह हो गई। वैसे बाकी सब लोग कहाँ हैं? वो माँ और टिमली नासिक गए। क्यों? यार वो टिमली का कोई बॉक्सिंग कैंप है। और शामली? दी तो यार सुबह ही इंटरव्यू के लिए निकल गई। ओ यार मुझे तो पता ही नहीं चला वो कब चली गई। वैसे मैं टिमली से मिलने आई थी। हाँ हाँ हमसे मिलने क्यों आएगी तू? टिमली तो तेरी बेस्ट फ्रेंड है। यार बिमली ऐसे मत बोलो, तुम नहीं जानती कि ये घर, तुम लोग मेरे लिए क्या अहमियत रखते हो। बहुत बार होता है कि हम लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, हम उनकी अहमियत नहीं समझ पाते, लेकिन कई बार हाथ से कुछ ऐसे होते हैं जो उन्हें हमसे दूर कर देते, तब हमें इस बात का एहसास होता है कि किसने हमें कितना थामा था। तुम लोग बहुत पॉजिटिव हो, एक जैसे नहीं हो लेकिन फिर भी एक ही धागे में बंधे हुए। तुम तीनों बहनें आंटी से मिलकर ऐसे लगता है कि इस दुनिया में इंसानियत अभी भी बाकी है, और तुम कह रही हो कि तुम लोग मेरी लाइफ में अहमियत ही नहीं रखते। चाय पिएगी? चाय क्यों, कॉफी क्यों नहीं? कॉफी नहीं है, घर की सिचुएशन बहुत बिगड़ गई है ना। अरे नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, पहले भी हो चुका है ऐसा, फिर कोई नया मसीहा आएगा और हमें बचा ले जाएगा। हाँ और एक मसीहे को मैंने बाहर देखा। मसीहा?
कौन? अरे हैरी, बाहर गार्डन में पौधे गिन रहा था। ओ वो, हाँ वो हैरी कुछ पौधों का ऑर्डर लेकर आया है। यू नो श्यामली थी बहुत खुश है। अच्छा तू बैठ, मैं तेरे लिए कॉफी, आई मीन चाय बना। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम बैठो मैं बनाती हूँ। अरे नहीं ना, मैं बनाती हूँ। अरे बाबा तुम बैठो, मैं बना कर लाती हूँ चाय, ठीक है? ओके। अच्छा दूध कहाँ पर है? दूध, दूध तो नहीं है यार। तुझे मालूम है नींबू की चाय ना सबसे बेस्ट होती है। ट्रे पे रखा होगा नींबू। रोजी तुझे मालूम है कल श्यामली थी और टिमली ना जेटी पर फंस गए थे, वहाँ पानी भर गया था। फेरीज का ना बहुत प्रॉब्लम चल रहा है आजकल। बारिश के मौसम में ना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है ना? ये हैरी कहाँ रह गया? हैरी, उसको मार्था आंटी का फोन आ गया था, कोई जरूरी काम था, चला गया। आपने जो जो सामान मंगवाया था सब रखवा दिया। ये तो हैरी की आवाज है, लग रहा है वो आ गया है। पर कर क्या रहा है? वे मैं देखती हूँ। हाँ मैं तब तक चाय देखती हूँ। हे हैरी। हे विमली, सॉरी आप लोगों को बिना बताए या मैंने डिलीवरी कर दी। एक्चुअली नहीं, थोड़ी जल्दी थी। कोई बात नहीं, बट हाँ पैसे हमें ही देके जाना, खुद नहीं लेके चले जाना। अच्छा रोजी अभी बता रही थी कि कोई मसीहा गार्डन में आया हुआ है। ओह गॉड, वो भी ना। बट यू नो आई एम रियली हैप्पी फॉर इसका सेंस ऑफ ह्यूमर लौट आ। थैंक यू, और आगे कुछ भी रिक्वायरमेंट रहेगी तो आप यहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हो। You know, श्यामली थी सुनेंगी ना तो बहुत खुश हो जाएंगी। वैसे श्यामली है कहाँ? वो किसी जॉब इंटरव्यू के लिए गई है, शाम तक आएंगी। बट यू डोंट वरी, मैं उन्हें फोन कर दूंगी। यू नो हैरी, श्यामली दी कह रही थी कि अगर इस इलाके में इस तरह के और ऑफर होंगे तो हम उन्हें पूरा कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि इस तरह की डिमांड्स अगर होगी भी तो कौन बताएगा। डोंट वरी, बात फैलती है। आज ये गया है, कल और आएंगे इनसे सुन के। पर अपने मनोरी में तो जमीन ही जमीन है। एंड बिजनेस के लिए ना मार्केट चाहिए ना खरीदा, बस इरादा चाहिए और सोच। और सोच ऐसी जो लोगों की इच्छाओं को टटोल सके, उनकी नीड्स को समझ सके, बस उनके नीड्स के हिसाब से हम प्रोवाइड कर सके। वाओ हैरी, आप तो एकदम पक्के बिजनेसमैन की तरह बातें कर रहे हैं। वही तो, मैं भी तो वही सोच रही थी सुबह कि इस म्यूजिशियन को क्या हो गया। सुबह पता है मुझे क्या कह रहा था? कि अगर मेरी मम्मी होती तो उसका नाम होता डोरी मी और पापा होते फासाला। वो सब तो ठीक है, बट ये म्यूजिशियन बिजनेसमैन कब और क्यों बन गया? आई मीन कुछ तो हुआ होगा जो आपने अपनी राह चेंज कर ली। आई एम श्योर कोई तो बात है जो आप हमें नहीं बता रहे, या फिर कोई बात है जो आप हमसे छुपा रहे हैं। You know, तुम exactly क्राइम रिपोर्टर के एंकर की तरह बोल रही हो। क्यों नहीं बोलूंगी? After all, मैं एक फिल्म मेकर बनने जा रही हूँ, क्या पता आपकी कही हुई बातें और एक्शंस मेरी फिल्म का हिस्सा बन जाए। ओह, और जिसके लिए हमें पैसे मिलेंगे? बिल्कुल नहीं। पैसे, ये पैसे रख। नहीं, ये आप श्यामली दी को दीजिएगा, आपकी उन्हीं से बात हुई थी ना। हाँ हुई थी, पर तुम रख लो, एक ही बात। और फिर क्या पता मैं शाम को कहीं निकल जाऊं। एंड बाय द वे, इतनी मेहनत के कुछ तो रिटर्न्स होने चाहिए। कुछ नहीं तो एक कप कॉफी पिला दो। कॉफी तो आपको मिल ही जाएगी, बट रोजी चाय बना रही थी, चाय का क्या हुआ? वो अंदर है, वो तो कप से बन के रेडी है, बट तुम लोग का वेट कर रही है, बिना दूध बिना शक्कर। एक मिनट, मैं बस यू गया, यू आया। कॉफी रेडी है दूध और शक्कर के साथ। गरमा गरम कॉफी विद दूध
और शक्कर. All thanks goes to Mr. Harry. I'm all at your service. हम जानते हैं, हमने आपको कभी मालिक कहा ही नहीं. आप तो सेवक ही हैं. I'm sorry. I know that's very mean of me. But मैं क्या करूं? मैं तो ऐसे ही हूँ. Wow. कॉफी तो बहुत बढ़िया बनी है. एकदम रोजी मार्का. ब्रांड रोजी. By the way, मैंने आपके कारनामों के बारे में श्यामली दी को बता दिया है और वे अत्यंत प्रसन्न हैं और उन्होंने आपको धन्यवाद भेजा है. In short, वो शाम को आएंगे तो आपको पर्सनली थैंक्स बोल देंगी. इसे क्या हो गया? कुछ नहीं, एक्साइटेड हो गई है. वैसे मैंने पढ़ा है सुबह देर से चाय या कॉफी मिलने पर कुछ लोगों का मानसिक संतुलन हिल जाता है. थैंक गॉड कॉफी समय पे आ गई, नहीं तो सारे मनोरी के लिए खतरा हो सकता था. ओह आई फॉरगॉट, ये सामान खरीदने के बाद ये बचे हुए पैसे. एक बात तो बताइए, ये सब करने की क्या जरूरत थी आपको? अगर सामान ही लाना था तो अपने पैसे से लाते ना, कंजूस. वेल, अगर आपकी शामली दीदी को पता चल जाता कि ये सब सामान मैंने अपने पैसे से खरीदा है तो कल से मेरा यहाँ आना तो बंद हो जाता था. बहुत ही खुददार है. She's got a lot of self-respect. Excuse me? आप ये कहना चाहते हैं कि मुझ में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? बिल्कुल भी नहीं. बट तुम प्रैक्टिकल हो और वो आइडियल. भाई ये तो मानना पड़ेगा, मिस्टर हैरी सिर्फ एक अच्छे सिंगर ही नहीं, एक अच्छे बिजनेसमैन भी हैं. वो तो होंगे क्योंकि एक कलाकार क्रिएटिव होता और क्रिएटिव इंसान कुछ भी क्रिएट कर सकता है, फिर वो चाहे बिजनेस ही क्यों ना हो. और जहां तक हैरी की बात है तो ये तो तय है कि हैरी के इस काम के पीछे कोई और भी प्रेरणा है जिसे शायद हम इग्नोर कर सकते हैं, भूल सकते हैं, लेकिन हैरी नजरअंदाज नहीं कर सकता. ऐसा क्या? शामली, शामली. ओके ओके, आई थिंक यू गाइस आर गोइंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन. प्लीज लौट आइए. वैसे आपके वो गेस्ट नजर नहीं आ रहे संकल्प जी. एक्सक्यूज मी, आपको ना टॉपिक चेंज करने की जरूरत नहीं है. हम शामली दी के बारे में बात कर रहे थे ना. आप और शामली दी चाहे एक दूसरे को जितना भी अवॉइड करें, पर दुनिया वाले तो बात करेंगे ही और दुनिया तो प्यार की दुहाई देगी ही और पूछेगी क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा. करेक्ट. आप लोगों का ना दिमाग खराब हो रहा है. आप लोग संकल्प जी के बारे में बता रहे हैं या मैं जाऊं? ओके ओके, मिस्टर संकल्प जी इस इलाके में आ चुके हैं और फिलहाल पुणे गए हुए हैं. कल वो यहाँ आए थे पर अखबार की मार और चिमली के प्यार भरे वार से बेजार होकर शायद पुणे चले गए. क्या देवी जी आप इसे आसान शब्दों में बताने का कष्ट करेंगी? अरे यार, कल ना शामली दी और चिमली को कोलाबा जाना था तो हमने अपना वो पुराना वाला जुगाड़. यार किसी की तकलीफ पे हंसना बहुत गलत है, ऊपर से उसका मजाक उड़ाना बिल्कुल जायज नहीं. कम ऑन हैरी, हम ये मजाक उनके मुंह पर जाके नहीं उड़ा रहे और ना ही ऐसा है कि बिमली ने उनके साथ कुछ किया. कई बार गॉड हमें लाइव मनोरंजन का सामान दे देता और उसे हमें विद ग्रेस स्वीकार कर लेना चाहिए. ज्यादा नखरे नहीं करने चाहिए, समझे? सही बोला ना मैंने? 100%. वेल, मैं नहीं मानता. अरे आप तो बुरा मान गए. संकल्प जी को ना हम सब ठीक ठाक जानते हैं और वैसे भी जिमली उनको पसंद नहीं करती और क्यों नहीं करती है वो तो मुझे भी नहीं पता. एंड वैसे भी हमने उनको इतनी कॉफी पिलाई है तो प्लीज आपको ना इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है. आप सोचने क्या लग गए? मैं बताती हूँ. हैरी इस वक्त ये सोच रहा है कि मैं पौधे बेचने वाले बिजनेस को कैसे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाऊं. सही बोला ना मैंने? जी नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि अपना बॉय बैंड स्टार्ट कैसे करूं. लंदन से मैं यहाँ इसीलिए तो आया, वहां पे मैंने म्यूजिक की ट्रेनिंग ली, काम भी किया, बट हर पल एक ही सपना था, अपने देश लौटूं और अपने बॉय बैंड के जरिए तहलका मचाऊं. यू नो, मैंने बहुत सारा लिरिक्स भी लिखा हुआ है और म्यूजिक भी कंपोज कर रखा है. बस अब एक बैंड तैयार हो जाए. हो जाएगा, हो जाएगा. हमारा आशीर्वाद आपके साथ है. Okay, anyways guys, मैं निकलता हूँ. कहाँ जा रहे हो? वो म्यूजिक कुछ याद है और तुरंत करना होगा. यू नो, म्यूजिक एक तपस्या की तरह है. ध्यान सिर्फ उस पे होना चाहिए और किसी पे नहीं. दिलो दिमाग में सिर्फ म्यूजिक होना चाहिए. अगर थॉट्स हैं वो भी म्यूजिकल.
हर कण में म्यूजिक नजर आना चाहिए। इनफैक्ट ऊपर वाले ने तो ये दुनिया भी म्यूजिकल बनाई है। फॉर एग्जाम्पल वैसे तुम जा रहे थे। हेलो के, सी यू, बाय। फॉर एग्जाम्पल अच्छा सच हो तो दुनिया में खुशियां फैलती हैं और बुरा हो तो दुनिया में बुराई ही फैलती है। सही कहा तुमने। जिस दिन मेरा सच सबके सामने आएगा, ये दुनिया मुझे किस नजर से देखेगी? वैसे तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक ठाक। तू तो जानती है ना, जिंदगी को एक नए अंदाज में देखने का तरीका है ये। नया अंदाज मतलब? ये दुनिया ना बहुत कॉम्प्लेक्स है रोजी। हम हर वक्त हर चीज जान पाए ये आसान नहीं है। हम हर समय ना चीजों को जज करते रहते हैं, उस पे कमेंट्स पास करते रहते हैं, बिना उसको जाने, बिना उसको समझे। पर एक फिल्म, और मैं एक अच्छी फिल्म की बात कर रही हूँ, वो हर चीज सामने लाकर खड़ा कर देती है जो हमारी नजरों से बचा होता है। सच्चा झूठ और झूठा सच। हकीकत में ऐसा नहीं होता? होता भी है और नहीं भी होता है। वो कैसे? तुम्हें पता है, माँ कहती है कि सच्चाई हमेशा सामने आती है। अच्छा सच हो तो दुनिया में खुशियां फैलती हैं और बुरा हो तो दुनिया में बुराई ही फैलती है। हाँ सही कहा तुमने। एक ना एक दिन मेरा सच भी ना चाहते हुए सबके सामने आ जाएगा। ये सोच के ही मैं डर जाती हूँ कि जिस दिन मेरा सच सबके सामने आएगा, ये दुनिया मुझे किस नजर से देखेगी? क्या सोचेगी मेरे बारे में? क्या ये मुझे और मेरे सच को अपनाएगी? जो चीज हुई नहीं उससे डरना या उसके बारे में सोचना ही गलत है। यू नो, हम सब आज में जीते हैं, कल में नहीं। तो यही अच्छा होगा कि तुम अभी सब कुछ बता दो, तो शायद हम लोग कुछ सोल्यूशन ढूंढ लें। नॉट पॉसिबल। खैर तुम ये छोड़ो और मुझे ये बताओ कि शामली ने हैरी के बारे में कुछ फाइनल किया, कुछ सोचा? नहीं यार, बात कुछ अटक सी गई है। तुझे पता है टिमली ना बहुत अजीब तरह से बिहेव कर रही है। कभी तो वो कहती है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हैरी और शामली भी साथ में है। पर ये तो गलत है ना? ना चाहने का सोच लिया और तय करके भी अपनी चाहत को ना दबा पाना। ऐसा ही है। चल बेमी, अब मैं निकलती हूँ। वैसे भी ना मार्था आंटी मेरे वेट कर रही होगी, मैं निकलती हूँ। बाय बाय। दूसरा कंटेस्टेंट आया, मैंने उसको भी नहीं छोड़ा जानबूझ के। बस यार, अब निकल आ उसमें से। मैं अरे तिल्ली, ये गमले ये पौधे कम है, कहाँ चले गए? हाँ राइट, कम तो है। 16, 17, 18 कम से कम 65 थे। क्या हुआ होगा माँ? पता नहीं, कल जब बिमली से बात हुई थी नासिक से, तो उसने तो कुछ बोला नहीं। तो इसका मतलब जो हुआ है अभी हुआ है। पर हुआ क्या? चोरी हुई है और क्या हुआ है माँ? नहीं नहीं, चोरी नहीं हुई है। अच्छा तो बताओ क्या हुआ है फिर? पता नहीं, तो शामली और बिमली से बात करके पता चलेगा। तो आप चलिए अंदर, हम उनसे बात करते हैं। पर ट्रस्ट मी माँ, ये काम ना चोरी का काम, और जिस दिन मेरे हाथ वो चोर लगा ना, मैं उसका मार्केट डेंचर हिला दूंगा। बस बस, एक कप मिल के संतुष्ट नहीं है तू?
अब आम लोगों के डेंचर्स तोड़ने की बात कर रही है। अरे माँ, चोर आम लोग नहीं होते, बहुत शातिर होते हैं। चलिए आप अंदर, मैं आपको समझाता हूँ। गमले कहाँ गए? माँ मैं बोल रहा हूँ, ये चोरी का ही काम है। नहीं बेटा, चोरी नहीं है, पौधे कौन चोरी करेगा भला? अरे माँ बहुत महंगे बिकते हैं पौधे, छोटे छोटे। तो अभी हम लोग अंदर मिलेंगे दीस और पूछ लेंगे ये काम। अरे काला, ये दोनों सुबह सुबह 8:30 बजे कहाँ चले गए? तूने बात नहीं की थी उनसे? माँ वो मेरे फोन में बैलेंस नहीं और आपका फोन डिस्चार्ज्ड है। शायद कॉलेज गए होंगे। कॉलेज तो बिम्मी जाती है, दी कहाँ कॉलेज जाएगी? फिर आप क्या करें, दिन भर यहाँ बालकनी में थोड़ा रह सकते हम। अरे माँ आप कितनी जल्दी हथियार डाल देते। अच्छा ये जो ताला है ना, ये बाहर के लोगों के लिए, उनको दिखाने के लिए, हमारे लिए कोई ताला नहीं है। एक मिनट। क्या निकाल रही है बेटा? एक मिनट माँ। अरे तुझे कैसे मालूम था कि ये यहाँ पर रखी थी? कोड लैंग्वेज ना, आप नहीं समझे। कोड लैंग्वेज? अरे मतलब ये हम बहनों का आपस में कोड लैंग्वेज है। अगर बाहर दरवाजे पर पीतल का ताला लगा है और स्टील का ताला नहीं लगा है, इसका मतलब कि चाबी गमले में है और सब बाहर है ना। कमाल, बहुत कमाल है। अंदर चले चलो। ये ले देखा, ये तो शुरुआत है। अब ऐसे कितने कप्स और ट्रॉफीज मैं जीत के लाऊंगा। बाय द वे, इस बात पे तो पार्टी बनती है, क्यों आंटी? ये आंटी को क्या हुआ? पानी पीजिए। थैंक्स। और इतना सोचना विचारना बंद कर दीजिए माँ, गमले ही है, नए आ जाएंगे। नहीं बेटा, बहुत मेहनत लगी थी, बहुत वक्त लगा था उन्हें लगाने में, सींचने में, बड़े हो गए थे। अरे माँ आप पैसे रखे हैं? ₹2200 है ये। अरे ये किसके हैं? पता नहीं, इस किताब में रखे हुए थे। तू रख उसको वहीं। अरे हमारे घर में मिले तो हमारे ही पैसे हुए ना फिर। अरे श्यामली के हो सकते, बिमली के हो सकते, किसी के भी हो सकते, तू रख उसको वहीं। माँ खजाना जिसे मिलता है ना, रूल वही होता है कि ओनर वही हुआ उसका। ना ये कोई खजाना है और ना ये पैसे तेरे हैं, तू वही रख उसको चुपचाप और जाकर नाश्ता बना के ला। है? मैं भी किसे बोल रही हूँ, तू जा नहा धोले, मैं चाय बना के लाती हूँ। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग बेटा। हे मिस मैरीगम, नासिक से कुछ जीता या फिर 100-50 घूसे खा के आई? लुक एट दैट, वाओ, कांग्रेट। देखा ये तो शुरुआत है, अब ऐसे कितने कप्स और ट्रॉफीज मैं जीत के लाऊंगा और उसके बाद उसी कप में तुम्हें कॉफी बना के पिलाऊंगा। That's the spirit. By the way, इस बात पे तो पार्टी बनती है, क्यों आंटी? ये आंटी को क्या हुआ? हाँ हैरी, हाँ क्या हुआ? क्या? क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे अपडेट करो। क्या हुआ? दिपली क्या हुआ बताना। माँ वो 3 लोग लेक के किनारे गए थे फोटोग्राफी करने। हाँ माँ जमीन धस गई, बिमली भी।